नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। दे सकते हैं होटल में रेड पड़ने के बाद में किस तरीके से लड़कियां भाग रही है और पुलिस की टीम उनको पकड़ने का किस तरीके से प्रयास कर रही है। जैसे ही होटल में रेड पड़ती है, आप दे सकते हैं लड़कियां होटल से निकलकर भागने लग जाती है। आप दे सकते हैं किस तरीके से लड़कियां भाग गई है साथियों, और उसके बाद में पुलिस द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा में ओवर ब्रिज के बिल्कुल नीचे। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं होटल पर यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ी है और इसके साथ साथ यहाँ पर पुलिस का भारी बल तैनात है। और मैं बता दूँ, ADGP श्रीकांत जाघव के सख्त आदेश के बाद में यहाँ पर सिरसा में लगातार ताबड़तोड़ रेड पड़ रही है। कभी कैफे पर, कभी मसाज पार्लर पर, कभी होटलों में लगातार यहाँ पर रेड पड़ रही है। लगातार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस तरीके से बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके हैं, काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर इस लाइन में होटल ही होटल है और इसके साथ साथ यहाँ पर पुलिस बल सुबह से ही तैनात है और यहाँ पर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो चुके हैं। ये दे सकते हैं किस तरीके से होटल में रेड पड़ी है और आसपास के लोग भी इकट्ठे हो चुके हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कम उम्र के लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर होटल में रुकने का काम कर रहे थे, और उसके बाद में ADGP श्रीकांत जाघव के सख्त निर्देशानुसार यहाँ पर दे सकते हैं साथियों, पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर आप दे सकते हैं होटल में लगातार रेड की कार्रवाई लगातार जारी है। आप दे सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल काफी तैनात है और गाड़ियां पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर आई हुई है। और इसके साथ साथ होटल में काफी अनैतिक गतिविधियों की खबरें मिल रही थी और वेश्यावृत्ति की खबरें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने संयुक्त रूप से अपनी टीम गठित करके यहाँ पर होटल में रेड मारी है। ¿Qué es lo que está pasando?